हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बाय शिखा अब्रोल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थॉट ऑफ द डे इज अ सक्सेसफुल पर्सन इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू अचीव समथिंग गुड एंड नॉट टू डिफीट एनीबडी। So try to be a successful person by just not comparing yourself with anyone. Just try to be the better version of yourself and one day you will become a successful person. Topic of the day is some general properties of D block elements, chapter 8, class 12th. So last lecture में हम कुछ properties पढ़ चुके हैं, like हम पढ़ चुके हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। सो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ फीचर्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? जैसे ही आप मैग्नेटिक वर्ड देखते हो आपको एक मैग्नेट की याद आती है, क्योंकि आप जब से साइंस पढ़ते हो, बेसिकली जब आप साइंस पढ़ते हो क्लासेस में, तब आप मैग्नेट से स्टार्ट करते हो बेसिकली साइंस। अगर आप याद करो, ट्राई टू रिमेम्बर द साइंस, आपने जब पढ़ा था फिफ्थ और सिक्स क्लास में, तो मैग्नेट के बारे में पढ़ते हो और मैग्नेट के साथ आप खेलते भी थे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड और अनपेयर्ड विल डिटरमाइन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बताते हैं कि उस एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी है और कैसी है, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, और वही उसकी नेचर को जस्टिफाई करते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विल एक्सप्लेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स स्पिन। यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑर्बिटल स्पिन नेग्लिजिबल रहती है, इसीलिए हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को यूज करके ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं। पर एफ ब्लॉक में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऑर्बिटल मोशन भी एड ऑन होती है। सो देयरफॉर एवरी इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ माइक्रो मैग्नेट, इसीलिए हम हर एक इलेक्ट्रॉन को माइक्रो मैग्नेट की तरह देखते हैं, विच इज हैविंग अ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एज म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एन इंटू एन प्लस टू फॉर स्पिन ओनली। दिस फॉर्मूला इज फॉर स्पिन ओनली, एंड फॉर डी ब्लॉक हम स्पिन ओनली फॉर्मूला ही यूज करते हैं, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, तो आपको जबरदस्त उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए। तो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 21 से 30, आप सबको मैं ट्रिक्स बता चुकी हूँ। स्टिल अगर आपको नहीं आती तो ऊपर आया आइकन पे लिंक आ रहा होगा, उसको ओपन करो, ट्रिक्स रिमेम्बर करो। देन आपको क्या करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखने के बाद उनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिखने कितने हैं। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है चेक द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर स्कैंडियम, तो आपको ये देखना है स्कैंडियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन की वैल्यू पुट करो और यू विल गेट द म्यू। तो म्यू उसको जस्टिफाई करेगा मैग्नेटिक मूवमेंट को। इसी तरह आप सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डाटा दिया है, खुद चेक करना, देखना वैल्यू सेम आ रही है, सो दैट आपका ये टॉपिक इजीली कवर हो जाए। ये क्वेश्चन पेपर्स में हमेशा आता है 1 और 2 मार्क्स में, चेक द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट है चेक द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आर यू। अब आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं याद होता, क्योंकि ये एनिमल्स लोअर ग्रुप्स में आ जाते हैं, लोअर पीरियड्स में आते हैं डी ब्लॉक में, तो इनका एटॉमिक नंबर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि आपको डाउनवर्ड सीरीज याद रखनी है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये आयरन के नीचे एलिमेंट आता। तो जैसे ही कॉन्फिगरेशन आयरन की होगी वैसे ही इस एलिमेंट की भी होगी। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आयरन के पास है उतने ही इसके पास भी होंगे। तो आयरन के पास थे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसी तरह इसके पास भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके पास भी स्क्वायर रूट 24 था आंसर में। तो आप वैसे ही पूरा सॉल्व करोगे और यहाँ पे भी आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 24 आएगा। इस तरह से आप अदर एलिमेंट्स का भी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने टंगस्टन, ऑस्मियम और इरिडियम का लिखा है, तो ये भी आपको ये देखना कौन से ग्रुप में आते हैं,
किस एलिमेंट के नीचे आ रहे हैं उस एलिमेंट का आपको पता है 21 to 30 निकालना इजी है, और सेम विद लोअर एलिमेंट्स के लिए आप लिख सकते हो। अब है यूनिट, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए यूनिट कौन सी यूज होती है, तो यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन, कैपिटल बी डॉट कैपिटल एम, इसको किसी ने भी स्मॉल रिप्रेजेंट नहीं करना, कैपिटल बी डॉट कैपिटल एम, बोहर मैग्नेटोन इज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर आयरन, व्हाट इज इट्स नेचर। अब आपको मैं पूरा वे बता रही हूँ आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको जिस भी एलिमेंट का पूछा गया है उसका एटॉमिक नंबर लिखना है, उसके बाद आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर एटॉमिक नंबर हायर एलिमेंट से नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हो, क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बताई है आपको कैसे नोट करनी है। उसके बाद आपको बनानी है आउटर मोस्ट शेल्स की ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, वहां से आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास है टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एन इक्वल्स टू 4, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी स्क्वायर रूट 24 बी डॉट एम, एंड इट इज हैविंग अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट्स नेचर इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होते तो इट विल बी डायमैग्नेटिक। अब है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयंस है वो हमें कलर रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सिंपल सी कहावत भी है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ज्यादा हेल्पफुल है हमें कलरफुल वर्ल्ड दिखाने के लिए, क्योंकि इन एलिमेंट्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है कलरफुल मटेरियल्स बनाने के लिए। सो कैसे इनके आयंस कलर शो करते हैं, यहाँ पे कलर्स हैं कुछ, जैसे स्कैंडियम 3, दैट मींस स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करोगे 3d0 आएगी। इन आयंस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है आपने, तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस है। इसी तरह आप अगले आयन के लिए चेक करोगे तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d1 विच इज ऑफ पर्पल कलर, देन वी हैव अ ग्रीन कलर। इस तरह से मैंने सारे एलिमेंट्स लिए हैं जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आयंस, वो बताते हैं कलर रिप्रेजेंटेशन। अब इस टेबल से हमें ये पता लगता है दैट फ्यू ट्रांजिशन मेटल आयंस सच एज स्कैंडियम 3, टाइटेनियम 4, कॉपर 1, जिंक 2 आर कलरलेस। ये सारे कलरलेस है क्योंकि इनके पास 3d0 कॉन्फ़िगरेशन है, N-1d subshell is either empty या फिर completely filled है, दोनों ही केसेस में वो कलर शो नहीं करता। जब भी हमारे पास इन शॉर्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे d subshell में तो वो मेटल आयन हमें कलर शो करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ट्रांजिशन मेटल आयन शो कलर, तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू dd इंटरेक्शंस और dd ट्रांजिशंस दे शो कलर्ड कंपाउंड्स और दे शो कलर। अब क्वेश्चन है आयरन 2 के लिए कलर ग्रीन क्यों आ रहा है, आप बताओगे आयरन 2 की कॉन्फ़िगरेशन, पहले आयन की लिखोगे कंप्लीट एलिमेंट की इन ग्राउंड स्टेट, उसके बाद बताओगे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो सबसे पहले आप तो याद होगा आप लोग फिलिंग करते हो इस तरह से 3p के बाद 4s फिल होता है और फिर 3d फिल होता है, बट जब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं सबसे पहले इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया 3p के बाद 3d लिखा और फिर 4s लिखा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं फॉर मेटल आयन फॉर्मेशन। ये बात याद रखना, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, आई एम श्योर आप अगर ट्राई करोगे तो आप में से भी हो सकता है 10% और 20% बच्चे ठीक लिखे, बाकी बच्चे गलती करेंगे, तो इस चीज को ध्यान से देख लो। सबसे पहले जो भी आपको एलिमेंट दिया गया है जिसका आप कलर देखना है उसकी पहले ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद उसकी मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको क्या करना है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं क्योंकि आयरन 2 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d6 4s0। और अगर हम बात करें Fe3 की तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन पहले जा चुके हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में से, इसीलिए यहाँ पे आया 3d5। इस तरह से आप बाकी एलिमेंट्स के बारे में भी लिखो, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी है। टाइटेनियम 2 के लिए चेक करो कितनी आई है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, आयरन 3 के लिए, क्रोमियम 1 के लिए, कॉपर 2, जिंक 2, निकल 1, निकल 2, देन मोलिब्डेनम 2, टंगस्टन 1, ऑस्मियम 2 और इरिडियम 2। इन एलिमेंट्स के लिए आपको पता है आपको ट्रिक्स यूज करनी है जो मैंने आपको बताई हुई है, लोअर एलिमेंट्स के लिए भी वैसे ही आएंगी जैसे अपर एलिमेंट्स है, और अपर एलिमेंट्स का आपको निकालना आता है तो लोअर के लिए आपको सिंपली एन नंबर चेंज करना है, अगर ऊपर 4s है तो नीचे 5s हो जाएगा, ऊपर 3d था नीचे आके 4d हो जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था जिसमें हमने ट्रिक्स पढ़ी थी 3d सीरीज 4d सीरीज 5d सीरीज, उसको यूज करके आप ये आंसर कर सकते हो। आंसर निकालने के बाद आप
जस्ट क्रॉस चेक करना अपने आंसर, क्या आपके पास यही कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, एंड देन आप पेपर में आप यूज करोगे तो आपको गलती नहीं लगेगी कॉन्फ़िगरेशन निकालने में ऑफ एन आयन। सो आज के लेक्चर में इतना ही। कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।